नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास में गोस्वामी तुलसीदास जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोहे की हम व्याख्या करने जा रहे हैं और ये दोहा आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, तो वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फिर पढ़ते हैं। तो आज का दोहा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहिं भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नास। इन पंक्तियों में रावण के मंत्रियों द्वारा उसको अच्छी लगने वाली बात करने पर कवि का नीति कथन है, यानी रावण के मंत्री उससे वही बात करते हैं जो उसको अच्छी लगती है। रावण का इतना भय था तो इसी पर जो कवि हैं तुलसीदास जी वो क्या कहते हैं समझिए। यहाँ पर कवि तुलसीदास जी कहते हैं, अगर भय की आशंका से मंत्री, वैद्य और गुरु प्रिय बातें बोलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि राज्य, धर्म और शरीर का बहुत जल्द ही नाश हो जाएगा। मंत्री के सत्य और हित की बात ना करने से राज्य का नाश होता है और वैद्य के प्रिय बोलने से शरीर का नाश होता है और गुरु के प्रिय वचनों से धर्म का नाश होता है। मंत्री का काम क्या है कि वह अपने राजा को अच्छी सलाह दे, अच्छी परामर्श दे, और वैद्य का काम यह है कि जो भी बीमारी हो वह सही ढंग से आपको बताए, आपकी बीमारी किस प्रकार से है, सही होने वाली है या सही नहीं होगी। और इसी प्रकार से यदि हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु का काम क्या है कि वह अपने शिष्य की कमियों को बताए, वह आपकी अच्छी चीज़ों को भले ना बताए परंतु कमियों पर लगातार प्रहार करे ताकि आप में सुधार हो सके। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपका मंत्री, वैद्य और शिक्षक तीनों किसी भय से या लालचवश प्रिय बोलने लगे, यानी कि वो आपकी हमेशा तारीफ ही करें, जिससे क्या होगा, आपके राज्य का, आपके धर्म का और शरीर का नाश होना शीघ्र ही निश्चित है। तो ये थी इस दोहे की व्याख्या। अब हम समझते हैं इसका काव्यगत सौंदर्य। तो भाषा यहाँ पर अवधि रहेगी जैसा कि पिछले भी दोहे में था, और छंद यहाँ पर आपका दोहा रहेगा, रस शांत है, गुण प्रसाद है और अलंकार यहाँ पर भी कौन सा है, अनुप्रास। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।